बेटा पहली गल तो यह है कि नबी अली सलाम के कोल एक शख्स है ना कि मालदार थी होना चाहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कनात अख्तियार कर तू मालदार थी वैसे। पहले तो तुमको पता है कि सारी जेब इतने ही पैसे आवने ते सबको किवें पहले हफ्ते अगर उड़ा के ते वाल मुँह लटका बहो वाला गुण अल्लाह दे सीधे कासू जे अल्लाह दी तेनू ना को तो तुस तरीके नाल खर्च करो। सारे मुल्क दी ईद है मेरी हालत है ना एदा छोटी जी मिसाल है घर दी जी। सारे मुल्क दी ईद है मेरी हालत है ना ओ आदन डिफॉल्ट थी मर दे करी ए इवें इवें गाल है इवें गाल है डिफॉल्ट आदन दिवालिया मतलब पैसा जड़ा है ना मुल्क चलावण वास्ते खर्चा मुक के जी बस इवें बहुत थोड़ा जिया बच्चा पे हत्ता के मतलब दालां दा राशन एस्टीमेट लेने के 15 जवारा के दालां बच्चे पे अल्लाह अकबर। अच्छा हत्ता के बड़े बड़े ताजरा ने मतलब के हद तू ज्यादा मिसाल है। सारे बुजुर्ग सब समझे नादन बेटा जितना तक रजाई होवे ना उतना ही तक पैर फैलाओ चादर देख के पैर फैलाओ। लिहाजा सारी जितनी इस्तात है और रूहों के उत्ते सब कुछ जड़ा ना शुक्र करना चाहिए है। और अल्लाह ताला का जो वादा है कि इन शकर तुम अगर तुम शुक्र करोगे लजीदन नकुम और मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। मतलब जिम्मेदार गर्मिया हीटर बंद नहीं थे नारे लेने तो रियासत मदीना जाए मदीने आए मक्का है जिंदगी को देखे फाके कटन पेट ते पत्थर बधन सहाबा ने एक बजे आपने डूब बद दी सुभान अल्लाह मजबूर है। कल एक वजीर भी आके IMF ਕੋਲ ਅਗੂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਇਤਨੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਵਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਵਾਜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਵਸਾ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਆ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੂ ਹੱਥ ਵਾਜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਵ ਇਨਾ ਇਲੈਹ ਰਾਜੂ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਭ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਬਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਮਹਦੂਦ ਕਰੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਮੀ ਜਾਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜਦੇ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪੈਦਲ ਟਰਨ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਬਣੋ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਬੇਟਾ कहीं को क्या आखू कोई सुन दे हे राजी मतलब देखो ना कि सब मुल्क सारा घर है पिया ते ऐसा जगह सही थी मेरी सारी ते नाले सारे खर्चे जड़े हैं हाली भी औरतों के कपड़े औरतों की मैचिंग औरतों का मेकअप
ड्रेसिंग पता है कितने कपड़े सब तो ज्यादा जड़ा है ना खर्च करने वाले तबाही फेरने वाले औरतें हैं अम्मी कोई ऐसा हो के कोई बाजार है इसका भी आई है कोई ना बाजार ना बेच जेड़े वेले वजो महंगाई है ते ओ भरे पेन शॉपिंग थी नी पई है ओ भई दू जड़े नाली तो तर असर दे में एक धोवो एक पावो गुजारा थी सके इतने कपड़े हैं कि दा साल ही सांगर ना तो ना सब बगैर कपड़े रह सके रह सकते हैं वाकई इने भी कोई शक नहीं ऐसा घास खा के पत्ते खा के तू सब याद नहीं कि तू से देवे कि सारे जेड़े बुजुर्ग नाना दादा की में जवी होती है केड़ी शाम की हां बेटा मिसाल तो रो एक चीज नहीं जाओ कणक चीणा क्या क्या चीज हां जेड़े के अनाज हां पेट भरे ना हां सारे बुजुर्ग आंदे ना सा कदी चाय बर्फ आलू ए चीजा सब बाहर बाहर ते डिठे के ना आज हकीम डॉक्टर की रोना होंदे बाजार दे चांदे वे ते इना चीजा ते वापस आ बाजार दे चीजा वादन सारी डिठे के ना सेहती ते इज्जत अगर चाहने ते इने वापस आवे ए टोट ओए बाहर दरख्त ना तले बाहुना इस्तेमाल करन पानी घड़िया दे इस्तेमाल करन सटन सरीजा को शक्कत ते आदी बने हां जी ए जिंदगी जेड़ी है अल्लाह ताला ने इंसान को डिजाइन ही मुशक्कत च कीते हां सख्त तो सख्त पीरियड च जी सकदे सही खलकन अल इंसान फी कबर हां सो अल्लाह हु अकबर सहल पसंदी है पे सदा दे है सर्दी हाय गर्मी चल चलदे पे मतलब है कि तुहार अगर बिजली क्या ना है तो लोग हंसते क्या मत है कबर को भूलवे ने अपने माजी को भूलवे ने हालांकि लाइट कहना है तो जेडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ਨਾਲੇ ਕਿ ਆਜਨ ਅਗਰ ਤੋ ਕੋ ਇਤਨੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਫੇਕ ਬਸ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਾਰਾ ਕਰੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਥਈ ਥਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਤਨਾ ਦਿਲ ਉੜਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਚੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਥੋੜਾ ਥੀ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂ किफायत शारी करो सादगी अपनाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए ओ शख्स मालदार है गनी है जे थोड़े खर्च दे विच अपना गुजारा कर के दे ओ अफलाह कद अफलाह सुभान अल्लाह जो शख्स फलाह पा कामयाब हो गया पक्का वड्डा घर बंगला बनवा गिन सु वड्डी गाड़ी आवे सी ता कामयाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कामयाब ओ नहीं जिने को हर शय आ गई बल्कि कामयाब ओ है जे थोड़ी च गुजारा कर सुभान ओ कामयाब है कम खर्च बाला नशी ठीक हो गया।